नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। शाम का वक्त है, आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद शेयर करना न भूलें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं नगर कोतवाली क्षेत्र से, जहां पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में हुई चोरी का आज खुलासा कर दिया। मेडिकल कॉलेज से सीबीसी मशीन चोरी की साजिश एक निजी पैथोलॉजी के संचालक ने रची थी। पुलिस ने संचालक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मशीन बरामद कर ली है, जबकि दो आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। मेडिकल कॉलेज परिसर में लगी सेल काउंट मशीन 4 नवम्बर की रात चोरी हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे में मशीन चोरी करते हुए चोरों की फुटेज भी कैद हुई थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि मनीष रावत निवासी श्रीराम तिराहा प्राइवेट पैथोलॉजी चलाता है, उसे सीबीसी मशीन की जरूरत थी। उसने बलीपुर निवासी मनीष गुप्ता को 50,000 रुपए में मशीन चोरी करने का ठेका दिया। मनीष गुप्ता ने मानधाता थाना क्षेत्र के उसरापुर गांव निवासी धीरज तिवारी, पंकज और अनिल को चोरी का काम सौंप दिया। तीनों ने मिलकर 4 नवम्बर की रात मशीन चुरा ली, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। शुक्रवार की रात सीओ सिटी अभय पांडे और नगर कोतवाल रविंद्र राय की टीम ने मनीष रावत, मनीष गुप्ता व धीरज तिवारी को गिरफ्तार कर मशीन बरामद कर ली, जिसके आज उन्हें जेल भेज दिया गया। अगली खबर कुंडा कोतवाली क्षेत्र से है, जहां पुलिस के सामने दबंगों को गुंडागर्दी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 138 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुछ को हिरासत में लिया है। बता दें कि कल यानी शुक्रवार को कुंडा कोतवाली क्षेत्र के अघिया गांव का रहने वाला मोहम्मद अकरम पुत्र अब्दुल्ला खान स्कूटी से घर जा रहा था, तभी गाँव के पास एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से वह घायल हो गया। इसके बाद ट्रैक्टर चालक अपने साथियों के साथ अकरम को मारने पीटने लगा। अकरम के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े तो ड्राइवर विजय अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर लेकर भाग निकला, जिस पर ग्रामीणों ने उसका पीछा करना शुरू किया। पीछा कर रहे ग्रामीणों को ट्रैक्टर पुराना कुंडा रेलवे फाटक बंद होने के कारण वहां खड़ा मिला। इसी बीच सूचना पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया। उधर पीछा कर रहे अघिया के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस व अघिया गांव के लोगों पर लाठी डंडे व ईंट पत्थर से हमला कर दिया। बीच बचाव के बाद पुलिस एक युवक व ट्रैक्टर को पकड़कर कोतवाली ले जा रही थी। इसी बीच अघिया गांव के युवकों ने नगर के भगवंत तिराह कोतवाली के पास मिले पलरा बराई गांव के रचित कुमार गौतम और उसके भाई करण को यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि ये दोनों भी पुराने कुंडा में हुई मारपीट में शामिल थे। सरे बाजार पुलिस के सामने दबंग दोनों युवकों को पीटने लगे, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस किसी तरह दोनों को बचाकर कोतवाली ले आई। घटना की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी विभारी फोर्स और पीएसी बल के साथ कुंडा पहुंचे। देर रात एसआई उमेश सिंह की तहरीर पर कोतवाली के सामने हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने अघिया गांव के अकरम, असलम, इरफान, वकील, फरहान, अंसार, ननकू, मुन्ना और 60 अज्ञात और पुराना कुंडा में पुलिस के सामने हुई मारपीट में सुमन, नितिन, हरिश्चंद, जतिन, सुनीता, नितिन जायसवाल, कंधई और 50 के खिलाफ धारा 147, 332, 353, 341 व 7 CLA एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने रचित कुमार गौतम निवासी पलरा बराई की तहरीर पर वकील, मुन्ना, फरहान, असलम, अंसार, इरफान, ननकू और आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तीसरा मुकदमा मोहम्मद असलम पुत्र अब्दुल्ला निवासी अघिया की तहरीर पर पुराना कुंडा मलिहन टोला निवासी ट्रैक्टर चालक विजय, शुभम व उसके दो भाई हरिश्चंद, नितिन और अज्ञात के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 269, 378, 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार तबीज दे रही है। अगली बड़ी खबर नगर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां आज पुलिस ने शराब गोदाम कर्मचारी से हुई लूट का खुलासा कर दिया। शराब गोदाम के कर्मचारी से हुई 8.25 लाख रुपए की लूट में लुटेरों के सरगना ने अपने साथियों को भी गच्चा दे दिया। साथियों को 10,000 रुपए देकर बाकी रकम लेकर सरगना मुंबई भाग गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। चिलबिला मोहली में पोंटी चड्ढा ग्रुप का शराब गोदाम है। गोदाम का कैशियर 20 अक्टूबर की दोपहर बाइक पर 8.25 लाख रुपए लेकर बैंक जा रहा था। बेला देवी पुल के पास आए 6 बदमाश रुपए सहित बाइक लूट ले गए। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP सतपाल अंतिल ने बताया कि लूट में शामिल बदमाशों को स्वाट टीम, सर्विलांस और नगर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात कादीपुर पुल से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूट के 55,400 रुपए और 2 बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल सरोज निवासी नेवादा थाना महाराजगंज जौनपुर, सिराज अली उर्फ छोटू निवासी भदौना थाना कंधई, सनी खरवार निवासी गौरी कला थाना बक्सा जौनपुर, सौरभ यादव निवासी गौरा खुर्द थाना महाराजगंज जौनपुर, दिनेश वर्मा निवासी शीतलागंज थाना कंधई और जितेंद्र सरोज निवासी नीमा ढकवा थाना आसपुर देसरा शामिल है। जौनपुर तेजी बाजार का रहने वाला गैंग का सरगना गुंजेश फरार है और मुंबई में छिपा बैठा है। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि गुंजेश ने अपने 5 साथियों को सिर्फ 10,000 रुपए और एक साथी के खाते में 15,000 रुपए भेजे, बाकी की रकम लेकर वह मुंबई भाग गया। पुलिस ने आज सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। देखिए, ये प्रतापगढ़ पुलिस हमारी SOG की टीम, सर्विलांस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से एक अंतर जनपदीय
गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसके कि 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 3 अपराधी जो हैं वो जौनपुर के रहने वाले हैं और 3 प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इस 6 के द्वारा बताया गया कि ये प्रतापगढ़ और जौनपुर बॉर्डर पर पर्टिकुलरली जो शराब की दुकानें हैं और वहाँ से जो कैश की हैंडलिंग होती थी, कैश को घर पे या कैश को बैंक में जब जमा कराया जाता था तो उनको फॉलो करके उनके उनके साथ घटनाएं करते थे। इनके द्वारा चिलबिला थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत जो घटना की गई वो और 4 घटनाएं और कबूली गई हैं। इनके पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल, लूट के 2 मोबाइल और करीब 55,400 रुपये बरामद हुए हैं और इनके द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर इस प्रकार की घटनाएं की जा रही थी, जिसके संबंध में गैंगस्टर की कार्रवाई करके इनके द्वारा अपराध से कारित जो संपत्ति है, जो जमा की गई संपत्ति है, उसकी कुर्की की जाएगी। अगली खबर लालगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां साथी को उसके घर पहुंचाने जा रहे युवकों की बाइक ट्रक से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 2 को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सांगीपुर के बांसुपुर निवासी श्यामलाल का 30 वर्षीय बेटा रामलोटन और पूरे मुरली निवासी 27 वर्षीय अरुण लखनऊ में रहकर मजदूरी करते थे। शुक्रवार रात दोनों लखनऊ से लौटे और हंदौर बल्दियान निवासी अपने साथी दानपाल के यहाँ रुक गए। सुबह दानपाल अपनी बाइक पर बिठाकर दोनों को छोड़ दे उनके घर जा रहा था। जैसे ही ये लोग सगरा सुंदरपुर पुरानी बाजार पहुंचे, बस को ओवरटेक करते समय सामने से आ रही ट्रक से टकरा गए। राम लोटन की मौके पर ही मौत हो गई और अरुण और दानपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी होते ही मृतक के परिजनों में रोना पीटना मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।